जनपद में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को बुधवार को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी शाम 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है और 3 बजे के बाद उन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह जारी होने के बाद पोस्टल बैलेट सहित सभी तैयारी प्रेक्षक की निगरानी में संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि निर्दल प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है, जिस पर प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह चिन्हित करके चुनाव आयोग से मांग कर सकता है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है तथा यह सब पूरा कार्य प्रेक्षक की निगरानी में संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिस तरीके से आपने पार्टी का नाम दिया हुआ है, जैसे समाजवादी, इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप 5 लोग हैं, तो ये आपका हमने लगभग 7 का फाइनल कर दिया है। तो इसमें आप यहाँ पे समाजवादी पार्टी उठा कर दिखा दीजिए, ये आपका नाम लिखा जा रहा है, सुभावती पहली बार, ये आपका मकान नंबर 16/9, ये इस तरीके से पार्टी, और इसमें कोई भी गलती हो तो वैसे तो हमने आपसे चेक करा चलेगा, और इंग्लिश के अंदर आपका इसके अलावा आप अजय शंकर जी, आप के निर्देश अनुसार इस तरीके से लिखी जाती है, ये आपने सिंबल मांगा था हेलमेट का और ये आपका सिंबल रिजर्व है, हेलमेट आपको हमने अलॉट कर दिया, अजय शंकर श्रीवास्तव इस तरीके से आप लिखते हैं, ये आपको फोटो अलॉट कर दी, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर AJAI अजय शंकर श्रीवास्तव, ये आपका एड्रेस है, ये इस तरीके से आपकी इंग्लिश में ठीक। आपके बाद युवराज शर्मा आप आपका इसमें मैच हो जा रहा है, आपका और जसकरण राज, जनता रक्षक पार्टी और भारतीय जन जागृति पार्टी दोनों ने गैस सिलेंडर की मांग की, आपकी पहली दूसरी तीसरी तीनों चॉइसेस गैस सिलेंडर की, जसकरण राज जी की भी पहली दूसरी तीसरी तीनों चॉइसेस गैस सिलेंडर की, तो आपका क्लैश हो गया, जो नियम अनुसार आप दोनों ही हमारे यहाँ की रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टी हैं और आप में से किसी ने भी आपका सिटिंग MLA नहीं है, तो आप लोगों के बीच में ये क्लैश हुआ, ये 2 चिट है, इसमें ड्रॉ ऑफ लॉट से हम आपको सिंबल अलॉट करेंगे, इसमें एक में आपका नाम है, एक में जसकरण राज जी का नाम है, दोनों में से सिंबल दे दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आप किसी से उठाएंगे, आप थर्ड पार्टी आप उठाएं, आप एक स्पेशल उठा दीजिए, कोई सा नहीं, अब इनको गैस सिलेंडर हम अलॉट कर रहे हैं और ये जो बच गए उनको लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल से हम दूसरा अलॉट कर रहे हैं, जसकरण राज को हम गैस सिलेंडर लॉक कर देंगे, आपको हम लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स देते हैं, कोई सा दूसरा सिंबल हम अलॉट करते हैं, नियम के अनुसार हम आपको कोई सा भी सिंबल दे सकते हैं, अभी हमें आपसे चॉइसेस नहीं लेनी होती है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो हम बता देंगे। अभी के अभी आपको 2 मिनट में बता, तब तक अन्य जिन्होंने तो उन सभी पार्टीज को जो आपकी पहली प्रेफरेंस थी, क्योंकि कुछ क्लैश नहीं हुआ है, वो आप लोगों को अलर्ट हो गया है।
राम धवन मौर्य जी, आपका नाम इस तरीके से लिखा जाता है, राम धवन मौर्य, ये आपकी पार्टी इस तरीके से हिंदी में लिखी जाती है, राइट टू रिकॉल पार्टी, ये आपकी पहली प्रेफरेंस थी और यही आयोग से आपको रिजर्व हुआ है, प्रेशर कुकर आपका सिंबल है, ये आपकी फोटो, इसी को इंग्लिश के अंदर इस तरीके राम स्पेस धवन स्पेस मौर्य, ये राइट टू रिकॉल पार्टी, ये प्रेशर कुकर, ऐसे ही राम स्पेस धवन स्पेस मौर्य, कोई इसमें इच्छुक नहीं है। आपके बाद में आम आदमी पार्टी से कोई है? जी विजय कुमार श्रीवास्तव, इस तरीके से विजय कुमार श्रीवास्तव है आम आदमी पार्टी, ये आपका झाड़ू का सिंबल है, इसको इंग्लिश में, ये आपका भी आयोग से रिजर्व हुआ है सिंबल, फ्रॉम विजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग है, ये वैसे ही लिखा है जैसे आपने फॉर्म में नाम पत्र में मुद्रित होने के लिए हमें लिखा गया था, ये आयोग के अनुसार आपकी इस तरीके से पार्टी लिखी जाती है, ये आपका ग्रुप झाड़ू है, वो ठीक सर, वो अभी जो बैठे ईवीएम जब सेकंड रैंडमाइजेशन हो जाएगा उसके बाद, ये बाद में का प्रोसेस है, अभी आप बैठे बनाएंगे तो हम आपको काम करेंगे बनाए और करेंगे सवा 3 बजे तहसील में। ये आपका चंद्रशेखर, जैसा आपने लिखा था चंद्र स्पेस शेखर, आज़ाद समाज पार्टी काशी स्पेस राव, इस तरीके से आपने हमें पत्र पे मुद्रित करने को ये लिख के दिया है, ऐसा आयोग से आपको ये पार्टी रजिस्टर हुई है, ये आपका सेंट्रल रिजर्व हुआ है इस बार, ये इसी इंग्लिश को हिंदी में आप इकट्ठा लिखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी काशी राम केतरी, जो कि हिंदी में, ये आपका एड्रेस है ठीक सर, ये आपका नाम वाजा शमशुद्दीन, इस तरीके से लिखने के लिए आपने हमें पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से रजिस्टर है इस स्पेलिंग के साथ, हाथी आपका चुनाव चिन्ह है, इसी को इंग्लिश के अंदर जो आपने लिख के दिया था वाजा शमशुद्दीन पक, ये ऐसा कैसा लिख, हाँ ये इंग्लिश में ऐसा लिखा जाएगा, हिंदी में ऐसा, ये दोनों वैसे ही हैं जैसा आपने हमें लिखा, ठीक है ठीक। कांग्रेस से कोई है? जी कांग्रेस से आप आइए, आपका आप लोग बहुजन समाज पार्टी आपका रिजर्व सिंबल है, कांग्रेस आपका रिजर्व सिंबल है, डॉक्टर चेतना पांडे, हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा जैसा आपने हमें लिख दिया, डॉक्टर चेतना पांडे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस तरीके से आयोग में रजिस्टर्ड है ये आपका सिंबल चुनाव के हाथ पर, इसके बाद इसी को इंग्लिश के अंदर डॉक्टर जी आर पड़ल डॉट, ये जैसा आपने हमें लिख के दिया है चेतना पांडे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैंड, सर बैलेट पेपर पी सी सी रूल बैलेट पेपर सेम सी, ये 7 क्या है ये बाहर चिपक जाएगा, आज की बैठक में इससे संबंधित और जितने दिशा निर्देश हैं ऑब्जर्वर सर और हम लोग आपको उसमें बता देंगे, और मोहम्मद राशिद, आज 3 बजे तक कोई भी प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस लेने के लिए प्राविधान है, उसके पश्चात हम लोग तुरंत चुनाव चिन्ह आवंटित करना है, राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह है सब कुछ फाइनलाइज करते हुए आज प्रत्याशियों की सूची फाइनलाइज करते हुए हम पोस्टल बैलेट मशीनों की तैयारी आदि व्यवस्थाएं माननीय प्रेक्षक महोदय के निगरानी में सुनिश्चित करा लेंगे और उसके अनुसार ही आगे तक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। मान्य आयोग द्वारा फ्री सिंबल्स का लिस्ट दिया जाता है, उनके द्वारा जो आवेदन किया जाता है उस सबके संज्ञान में लेते हुए मान्य आयोग के निर्देश अनुसार मैनुअल के अनुसार ही आवंटित करते हैं और मान्य प्रेक्षक महोदय के हम उपस्थिति में ये होगा।